सूरत الحدید, सूरह हदीत का तारफ मकाम सूर हदीत के मकाम नजूल के बारे में एक कौल यह है कि मकिया है और एक कौल यह है कि मदनिया है रुकू और आयात की तादाद इस सूरत में चार रुकू और उनतीस आयतें हैं हदीद नाम रखने की वजह अरबी में लोहे को हदीद कहते हैं और इस सूरत की आयत नंबर पच्चीस में अल्लाह तदीद यानी लोहे के फवाद बयान फरमाए हैं इसी मुनासिबत से सूरत का नाम सूर हदीद रखा गया सूरह हदीद की फजीरत हज़रत अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाहन फरमाते हैं ताजदार रिसत सल्लाम सोने से पहले मुसब्बूरतों की तिलावत फरमाते और इर्शाद फरमाते इन सूरतों में एक ऐसी आयत है जो हजार आयतों से बेहतर है याद रहे कि मुसबिहात से मुराद वह सूरत है जिनकी इब्त्या तस्वीर आयात है जैसे सूरह हदीत सूरह जुम्मा और सुरह तूरह हदीत के मजामी इस सूरत का मरकजी मजमून यह है की इसमें अकीदे और ईमान से मुतिक जिहाद और राय खुदा में खर्च करने के बारे में और उनके अलावा दीगर चीजों से मुतल शरयी अमूर बयान किए गए हैं नीज इसमें यह मजामी जिक्र किए गए हैं नंबर एक इस सूरत की इब्तदा में अल्लाह तला की सिफात उसके अस्माय हसना और कायनात की तख्लीक में उसकी अजमत और कुदरत के आसार के जहूर का बयान है नंबर दो मुसलमानों को दीन इस्लाम की सरबुलंदी और उसके एजाज की खातिर अल्लाह तला की राह में माल खर्च करने की तरगीब दी गई है नंबर तीन दुनिया और आखरत की हकीकत को वाजे किया गया और बताया गया कि दुनिया फना होने वाला घर और खेल तमाशे की तरह है जबकि आखरत हमेशा बाकी रहने वाला घर शादत और बड़ी राहत की जगह है और उसके साथ दुनिया के धोखे में मुबतला होने से डराया गया और आखरत की बेहतरी के लिए अमल करने की तरगीब दी गई है नंबर चार मुसलमानों को मुसीबतों पर सबर करने की तलकीन की गई और तकबर और बुखल की बयान की गई नीज अल्लाह तीन पैरवी करने का आखिर में नसीहत हासिल करने का कहा गया और इस सिलसिले में हजरत नू असलम और हजरत इब्राहिम सलातम के वाकयात बयान किए गए मतकी लोगों के स्वाब को वाजे किया गया और अपने रसूलों पर ईमान लाने वालों के लिए दुग्ने अजर का बयान हुआ और उसके साथ ये भी बता दिया गया कि रिसालत अल्लाह ताला की तरफ से चुनाव और उसका फजल है वो अपने बंदों में से जिसे चाहे रुतबा अता कर दे सराम की तशरीफ आवरी के बाद अल्लाह तबूवत का सिलसिला खत्म फरमा दिया है अब कयामत तक किसी को नबूवत नहीं मिलेगी सूर्य वाकया के साथ मुनासिबत सूर् हदीत की अपने से माँ कबल सूरत वाकया के साथ मुनाबत यह है की सूर्य वाकया के आखिर में तस्बी करने का हुक्म दिया गया और सूरह की अब्तदा में तस्बी बयान करके गोया हमें इसका तरीका सिखा दिया गया या आसमानों जमीन में मौजूद चीजों की तस्वीर का जिक्र करके एक और अंदाज में तरगीब दी गई है बिस्मिल्ला तर्जमा अल्लाह के नाम से शुरू जो रिहायत मेहरबान रहमत वाला है वा वा तर्जमा अल्लाह की पाकि बयान की हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है और वही इज्जत वाला हमत वाला है अल्लाह वाल की पाकि बयान की हर उस चीज़ ने जो आसमानों और जमीन में है इस आयत का खुलासा यह है कि जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है चाहे वो जानदार हो या बे सब जबान हाल और जबान काल से अल्लाह तला की पाकि बयान करते हैं यानी यह कि वो अल्लाहत में सिफात में अफआल में और अहकाम में हर नक्स व से पाक है और उसके रब होने का इकरार करते हैं और उसकी इताद का यकीन रखते हैं और वही अला गालिब और कामिल कुदरत वाला और अपने तमाम अफआल वाला है तर्जमा आसमानों और जमीन की सल्तनत सब उसी के लिए है वो जिंदगी और मौत देता है और वो हर चीज पर कादिर है लहू मुल आसमानों और जमीन की सल्तनत सब उसी के लिए है इर्शाद फरमाए कि आसमानों और जमीन और उनमें मौजूद तमाम चीज़ों पर अल्लाह का मुकम्मल तौर पर तसरफ है और उन सब में उसका हुक्म नाफिज है वो अपनी तमाम मखलूक से बेपरवाह है और सब उसी के मोहताज हैं उसकी शान यह है कि वो मखलूक को पैदा करके उन्हें जिंदगी देता है और कयामत के दिन भी मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और वो दुनिया में जिंदों को मौत देता है और वो हर मुमकिन चीज पर कादिर है वाल वाल बीकुल तर्जमा वही अव्वल और आखिर और जाहिर और बातिन है और वो सब कुछ जानता है अव्वल। वही अव्वल इस आयत में अल्लाह ताला की पांच सिफात बयान हुई हैं पहली सिफत वही अव्वल है इससे मुराद यह है कि अल्लाह ताला अपनी जात और सिफात के अतबार से हर चीज से पहले है कि वो उस वक्त भी था जब किसी चीज़ का वजूद ना था उसके लिए कोई इब्तदा नहीं दूसरी सिफत वही आखिर है इससे मुराद यह है कि अल्लाह ताला हर चीज के हलाक और फना होने के बाद रहने वाला है कि सब फना हो जाएंगे और वो हमेशा रहेगा उसके लिए कोई इंतहा नहीं तीसरी सिफत वही जाहिर है इससे मुराद यह है कि अल्लाह ताला दलाइल और बराहन से ऐसा जाहिर है कि जर्रे जर्रे में उसके वजूद पर दलालत करने वाले दलाइल मौजूद हैं अल्लाह ताला के जाहिर होने के माना यह है कि वो हर चीज पर गालिब है चौथी सिफत वही बातें है इससे मुराद यह है कि हवास अल्लाह ताला का इदराक करने से आजिज है और उसकी जात ऐसी पोशीदा है कि अकल की उस तक रसाई नहीं और यह पोशीदगी दुनिया और आखिरत दोनों में है पांचवी सिफत वही हमेशा से हमेशा तक हर शय को हर तरह से जानता है नबी अक्रम सला वसलम भी अव्वल आखिर ज़ाहिर और बातिन हैं हजरत अल्लाह शेख अब्दुल्हक मुहदस देहलवी र्ल ने सीरत के मौजूद पर अपनी मशहूर किताब मदारजनबूआ के खुतबे में जिक्र किया है कि ये पांचों सिफ़ातर अकदसल्लाम की भी हैं इनका जिक्र करदा कलाम बाज़ मकाम पर कुछ तब्दीली के साथ पेश खिदमत है सैदुलमरसलीन सला अव्वल भी हैं आखिर भी हैं जािर भी हैं बान भी हैं और सब कुछ जानते भी हैं

इस अवलियत के बावजूद बेसत और रसालत में आप वसल्लम सबसे आखिर हैं किताबों में आपलात पर नाजर होने वाली किताब करीम और आपका आखिरी है आपके से मुराद ये है की आप सल अ के अनवार ने पूरे आफाक को घेर रखा है जिससे सारा जहान रोशन है मखलूक में से किसी का की मानंद और किसी का नूर आपके नूर के हम नहीं और बातिन से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो असरार हैं जिनकी हकीकत का मखलूक के लिए नामुमकिन है और दूर नजदीक के लोग आपके जमाल और कमाल में खो कर रह गए और आखिर में फरमाते हैं बेकुल्ली शहीन अलीम का इरशाद बिला शुबा हजूर अक्रम सल्लाम के लिए भी है क्योंकि वह फो का हर इल वाले से ऊपर वाला है की सफात आप ही में मौजूद है

يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير तर्जमा वही है जिसने आसमान और जमीन छह दिन में पैदा किए फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है वो जानता है जो कुछ जमीन के अंदर जाता है और जो कुछ उससे बाहर निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है और वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है आसमानों और जमीन की सल्तनत उसी के लिए है और अल्लाह की तरफ सब कामों को लौटाया जाता है वही है जिसने आसमान और जमीन छह दिन में पैदा किए यहाँ से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और इल्म के बारे में बयान फरमाया चुनाच शायद का खुलासा यह है कि अल्लाह ताला वही है जिसने आसमान और जमीन दुनिया के अय्याम के हिसाब से छह दिन में पैदा किए हज़रत हसन रदी अल्लाह तु ने फरमाया कि अगर अल्लाह तला चाहता तो पलक झपकने में जमीन व आसमान पैदा कर देता लेकिन उसकी हेकमत का यही तकाजा हुआ कि छह दिन को असल बनाए और उन पर मदार रखे और इर्शाद फरमाए कि फिर अल्लाह ताला ने अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है जो कुछ जमीन के अंदर जाता है खा वो दाना हो या पानी का कतरा खजाना हो या मुर्दा और जो कुछ उससे बाहर निकलता है खा वो नबातात हो या धात या और कोई चीज़ और जो कुछ आसमान से उतरता है जैसे रहमत अजाब फरिश्ते और बारिश और जो कुछ आसमान में चढ़ता है जैसे आमाल और दुआएं इन सब को अल्लाह ताला जानता है और वो आम तौर पर अपने इल्म कुदरत के साथ और खास तौर पर अपने फजल रहमत के साथ तुम्हारे साथ है चाहे तुम जहाँ भी हो और अल्लाह ताला तुम्हारे काम देख रहा है तो वो कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे आमाल के मुताबिक जजा देगा इस आयत में गफलत की नींद सोने वालों और गुनाहों में मसरूफ लोगों के लिए बड़ी नसीहत है इन्हें चाहिए कि अपनी गफलत की नींद से बेदार हो जाए और गुनाह करते वक्त अल्लाह तला से डरें और उससे हया करें क्योंकि अल्लाह ताला को उनके अमाल मालूम हैं और उनका हर काम देख रहा है और ये जहां भी चले जाएं और जो हीला और तदबीर अपना लें मगर किसी जगह और किसी सूरत अल्लाह ताला से छुप नहीं सकते और वो उनके अमाल के मुताबिक उन्हें जजा और सजा देने पर कुदरत भी रखता है अल्लाह तला हमें अपना खौफ असीब फरमाए और गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तोफ़ी कता फरमाए आमीन हारी वी जुन्ना हारई वाली मुदाती उस तर्जमा रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है और वो दिनों की बात जानने वाला है यूली जुल्लई लफिन रात को दिन में दाखिल करता है इस आयत का खुलासा मिकदार बढ़ाकर दिन के बढ़ा कुछ हिस्से को रात में दाखिल करता है और वो दिल के अकीदे और कलबी असरार सब को जानता है नोट रात और दिन में कमी ज्यादा का बयान इससे पहले सूरह आल इमरान सूरह हज सूरह लुकमान और सूरह फातिर में गुजर चुका है यहाँ एक बार फिर जिक्र करने से मकसूद यह है कि लोग अल्लाह तला की कुदरत में गौर विक्र करें और उसकी वहदानियत पर ईमान लाए आ रसूली वी मुस्ती तर्जमा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी राे उस माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जानशीन बनाया है तो तुम में जो ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया उनके लिए बड़ा सबाब है आमिन व रसूल अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ अल्लाह तला की वहदानियत पर दलालत करने वाली मुख्तलिफ चीजें बयान करने के बाद अब बंदों को ईमान कबूल करने मोहब्बत दुनिया को छोड़ देने और नेक कामों में माल खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है इस आयत की तफसीर यह है कि ए लोगो अल्लाह तला की वहदानियत का इकरार करके और जिन चीज़ों को नबी अक्रम सल्ला अली वाली वसलम अल्लाह तला की तरफ से लाए हैं उनमें इनकी तस्दीक करके अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो और जो माल इस वक्त तुम्हारे कब्जे में है विरासत के तौर पर इसमें दूसरों के जानशीन बने हो और ये तुम्हारे बाद वालों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा लिहाजा तुम पहले लोगों से नसीहत हासिल करो और इस माल को अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से बुखल न करो और तुम में से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपना माल इसी तरह खर्च किया जैसे उन्हें हुक्म दिया गया था तो इस बिना पर उनके लिए बड़ा सवाब है दूसरी तफसीर यह है कि ए लोगो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाओ और जो माल तुम्हारे कब्जे में है ये सब अल्लाह ताला के हैं इसने तुम्हें नफा उठाने के लिए दे दिए हैं

तर्जमा और ए लोगो तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह पर ईमान ना लाओ हालांकि रसूल तुम्हें बुला रहे हैं कि अपने रब पर ईमान लाओ और बेशक अल्लाह तुमसे अहद ले चुका है अगर तुम यकीन रखते होमला तुम मीनू न और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह पर ईमान न लाओ इर्शाद कि कह लोगों तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं ला रहे हालांकि अल्लाह रसूल तुम्हें बुला रहे हैं कि तुम अपने रब तला की वहदानियत का इकरार करके उस पर ईमान लाओ और वो तुम्हारे सामने अल्लाह ताला की वहदानियत और अपनी रिसालत की दलीलें पेश कर रहे हैं और अल्लाह तब सुना रहे हैं अब तुम्हें ईमान कबूल करने से क्या उजुर हो सकता है और बेशक अल्लाह तुमसे उस वक्त अहद ले चुका है जब उसने तुम्हें हजरत आदम सलाम की पुश्त से निकाला था कि अल्लाह तुम्हारा रब है उसके सिवा कोई माबूद नहीं अगर तुम इस अहद पर यकीन रखते हो तो ईमान ले आओ होली आया वही है जो अपने बंदे पर रोशन आयते उतारता है ताकि तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ ले जाए और बेशक अल्लाह तुम पर जरूर मेहरबान <प्राविया> वही है जो अपने बंदे पर रोशन आयते उतारता है इर्शाद फरमाए कि अल्लाह ताला वही है जो हजरत जब्राइल के वास्ते से अपने बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम पर ममाना हलाल और हराम के अहकाम पर मुश्तमिल रोशन आयतें उतारता है ताकि अरे नबी सल्लाम की रसूल सल्लाफर शिर जहालत और मुखालफत के अंधेरों से ईबान तो मुआफ़त के नूर की तरफ ले जाए और बेशक अल्लाह तुम पर जरूर मेहरबान और रहमत वाला है कि उसने तुम्हारी तरफ अपने हबीब सली वसलम को भेजा और उन पर कुरान पाक की आयात नाजिल फरमाई यही मजमून एक दूसरी आयत में बयान हुआ है जमा अलिफलाम रॉ ये एक किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि तुम लोगों को उनके रब के हुक्म से अंधेरों से उजाले की तरफ उस अल्लाह के रास्ते की तरफ निकालो جو عزت والا سب والا ہے وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ترجمة اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں अल्लाह आसमानों और जमीन सब का वारिस अल्लाह ही है तुम में फतह से पहले खर्च करने वाले और जिहाद करने वाले बराबर नहीं हैं वो बाद में खर्च करने वालों और लड़ने वालों से मरतबे में बड़े हैं और उन सब से अल्लाह ने सबसे अच्छी चीज का वादा फरमा लिया है और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है मा अल्ला फी और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च ना करो यानी तुम किस वजह से अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं कर रहे हालांकि आसमानों और जमीन सबका मालिक अल्लाह ताला ही है वही हमेशा रहने वाला है जबकि तुम हलाक हो जाओगे और तुम्हारे माल उसी की मिल्कियत में रह जाएंगे और तुम्हें खर्च ना करने की सूरत में सवाब भी ना मिलेगा तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दो ताकि उसके, उसके बदले सवाब तो पा सको राहे खुदा में खर्च करने की तरगीब कुरानो हदीस में बकसरत मकाम पर राह खुदा में खर्च करने की तरगीब दी गई है चुनाच इरशादे बारी ताला है तर्जमा और तुम जो अच्छी चीज खर्च करो तो वो तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है और तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए ही खर्च करो और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम पर कोई जियादती नहीं की जाएगी और इर्शाद फरमाया

और हमारे दिए हुए रिस्क में से पोशीदा और एलानिया कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो हरगिज तबाह नहीं होगी ताकि अल्लाह उन्हें उनके सवाब भरपूर दे और अपने फजल से और ज्यादा अता करे बेशक वो बख्शने वाला कदर फरमाने वाला है और हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह से रिवायत है रसूल करीम सलि वसलम ने इर्शाद फरमायादम अगर तुम अपना जरूरत से जायद माल खर्च कर दो तुम्हारे लिए बेहतर है और अगर तुम इसे रोके रखोगे तो ये तुम्हारे हक में बुरा है और तुम्हें इतने माल पर मलामत ना की जाएगी जो तुम्हें कनात की सूरत में लोगों की मोहताजी से महफूज रखे और अपने खर्च की इब्तदा अपने जेर किफा लोगों से करो और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और हजरत अबी फरमाते हैं नबी अक्रम सल्ला की बारगा में हाजिर हुआ आप सल्लाबे के साय में तशरीफ फरमा थे जब आप सल्लाह ने मुझे देखा तो फरमाया रबा की कसम वही लोग खसारे में आपकी खिदमत में हाजिर होकर बैठ गया लेकिन अभी ठीक से बैठ ना पाया था उठ खड़ा हुआ और अर्ज की यार रसूल ला ला ताला मेरे बाप आप पर कौन से लोग खसारे में इरशाद फरमाया वो लोग जो बड़े सरमायादार हैं अलबत् उनमें से जो इधर उधर आगे पीछे दाए बाएं राह खुदा में खर्च करते हैं वो खसारे में नहीं लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम हैं फले खर्च करने वाले और जिहाद करने वाले बराबर नहीं है इसायद में अल्लाह तमाम रदी अल्लाह की फजीत बयान फरमाई है जिन्होंने अल्लाह तला की राम में अपना माल खर्च करने में सबकत की चुरा चाद फरमाया मेरे हबीब स मक्के की फतह से पहले जब के मुसलमान कम और कमजोर थे उस वक्त जिन्होंने खर्च किया और जिहाद किया वो फजीत में दूसरों के बराबर नहीं और वह फतेह मक् के बाद खर्च करने वालों और लड़ने वालों से दर्जे के एतबार से बड़े हैं और फतेह से पहले खर्च करने वालों से भी और फतेह के बाद खर्च करने वालों से भी अल्लाह तब से अच्छी चीज यानी जन्नत का वादा फरमा लिया है अलबत्त में उनके दर्जात में फर्क है कि फतेह मक्से पहले खर्च करने वालों का दर्जा बाद में खर्च करने वालों से आला है और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है महाजरीन और अनसार साहबा कराम रदी का मकाम दीगर साहबा से बुलंद है आयत के इस हिस्से से मालूम हुआ कि महाजरी और, रदी ताला की अजमत और उनका मकाम दीगर गनी और हज़रतमरतजा रद्ह भी शामिल है और उनकी अज़मत की गवाही खुद अल्लाह तुरान पाक में दे रहा है इससे उन लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए जो इनकी शान में जबान तान दराज करते और इन्हें बुरे अल्फाज से याद करते हैं और ये बुखारी शरीफ की कहो क्योंकि उनकी शान यह है की तुम में से कोई और बराबर सोना खैरा कर दे तो वो साहबा एक राम अलिदवान में से किसी एक के मुद बल्कि उसके निसफ खैरा करने तक नहीं पहुँच सकता हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तहो की शान यहाँ हज़रत अबू बकरेम के बारगा में हाजिर थे और उनके पास हजरत अबू बकर भी हाजिर थे और आप रदी तन ने एक अब यानी पाओ तक लम्बा कोट पहने हुए थे और उसे आगे से बांधा हुआ था उस वक्त हजरत जबरीम नाजिल हुए

क्या मैं अपने रब तला से नाराज हो सकता हूँ मैं अपने रब से राजी हूँ मैं अपने रब से राजी हूं करीम तर्जमा कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे तो अल्लाह उसके लिए उसको कई गुनाह बढ़ा देगा और उसके लिए अच्छा आजर है कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे इस आयत में अल्लाह ताकद के साथ लोगों को मुसलमानों की में, कुफार के साथ जिहाद करने में और फकीर व मोहताज मुसलमानों की मदद करने में अपना माल खर्च करने की तरगीब दी है चनाचिर फरमाया कौन है जो खुश दिली के साथ अपना माल राह खुदा में खर्च करे ताकि अल्लाह तजल से उसके खर्च करने का स्वब उसे कई गुना तक बढ़ा दे और इस इजाफे के साथ साथ उसके लिए अच्छा हजर है और उसे उसके अमाल का सवाब अल्लाह तला की रजा और उसकी बारगाह में कबूलियत के साथ दिया जाएगा यहाँ आयत में अल्लाह राह में खर्च करने को कर्ज से इस तौर पर ताबीर फरमाया गया है कि अल्लाह तला ने अपने फजल से अपनी राह में खर्च करने पर जन्नत का वादा फरमाया है राह खुदा में खर्च करने का स्वाब राह खुदा में खर्च करने की तरगीब देते हुए और उसका स्वाब बयान करते हुए एक और मकाम पर अल्लाह तरशाद फरमाता है वा वा है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे तो अल्लाह उसके लिए इस कर्ज को बहुत गुना बढ़ा दे और अल्लाह तंगी देता है और वद देता है और तुम तो उसी की तरफ लौटाए जाओगे और इरशाद फरमाया الذين في في سبيل الله سبع سبع سنابل سنابل كل والله والله لمن يشاء عليم उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राम में खर्च करते हैं उस दाने की तरह है जिसने सात बालियाँ उगाई हर बाली में सौ दाने हैं

नबीकलीसलाम ने इर्शाद फरमायाबू दाहरत अबार्हते दिखाई थाम कर अर्ज की मैंने अपना बाग अपने रबल की बारगाह में बतौर कर्ज पेश कर दिया है उनके बाग़ में छह सौ खजूर के दरख्त थे और उम्मेदा और उनके बच्चे भी उसी में रहते थेदार्ला आये और उन्होंने पुकारा दहदा उन्होंने अर्ज़ की लबैक में हाजिर हूँ अब दखदा रजी ने फरमाया आप इस बाग से निकल चले क्योंकि मैंने इस बाग को अपने रब की बारगाह में बतौर कर्ज पेश कर दिया है। तर्जमा जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे और उनके दाईं जानब दौड़ रहा है फरमाया जाएगा कि आज तुम्हारी सबसे ज्यादा खुशी की बात वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं तुम उनमें हमेशा रहो यही बड़ी कामयाबी है जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखोगे इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों के बारे में खबर दी कि कयामत के दिन तुम मोमिन मर्दों और ईमान वाली औरतों को पुल से रात पर इस हाल में देखोगे कि उनके ईमान और बंदगी का नूर उनके आगे और उनकी दाई जानब दौड़ रहा है और वह नूर जन्नत की तरफ उनकी रहनुमाई कर रहा है और पुज रात से गुजर जाने के बाद उनसे फरमाया जाएगा कि आज तुम्हारी सबसे ज्यादा खुशी की बातें वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं तुम उनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है इसी नूर के बारे में एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا इन्नका अला कुल्ली कदीर ऐ ईमान वालों की तरफ ऐसी तौबा करो जिसके बाद गुनाह की तरफ लौटना ना हो करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारी बुराइयां तुमसे मिटा दे और तुम्हें उन बागों में ले जाए जिनके नीचे नहरें रवा हैं जिस दिन अल्लाह नबी और उनके साथ के ईमान वालों को रुसवा न करेगा उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं दौड़ता होगा वो अर्ज करेंगे ऐ हमारे रब हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे और हमें बख्श दे तू हर चीज पर कादिर है और नूर, नूर पहाड़ की मानद होगा और बाज मोमिन ऐसे होंगे जिनका नूर खजूर के दरख्त की मिसल होगा और उनमें से सबसे कम नूर उस शख्स का होगा जिसका नूर उसके अंगूठे पर होगा जो कि कभी रोशन होगा और कभी बुझ जाएगा يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب और मुसलमानों से कहेंगे कि हम पर नजर कर दो हम तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर ले कहा जाएगा तुम अपने पीछे लौट जाओ तो वहां नूर ढूंढो जब उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा जिसके अंदर की तरफ रहमत और उसके बाहर की तरफ अजाब होगा

तुम जहाँ से आए थे वहीं लौट जाओ और वहां नूर ढूंढो इसके एक माना यह है कि तुम हिसाब की जगह की तरफ लौट जाओ, जाओ जहां हमें नूर दिया गया है और वहां से नूर तलब करो दूसरे माना यह है तुम हमारा नूर नहीं पा सकते लिहाजा नूर की तलब के लिए पीछे लौट जाओ फिर वो नूर की तलाश में वापस होंगे और कुछ ना पाएंगे दोबारा मोमिन की तरफ फिरेंगे तो उस वक्त उन मोमिन और मुनाफिक के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी और उसमें एक दरवाजा होगा जिससे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे उस दरवाजे के अंदर की तरफ से जन्नत और उसकी बाहर की तरफ अजाब होगा

तर्जमा मुनाफिक मुसलमानों को पुकारेंगे क्या हम तुम्हारे साथ ना थे वो कहेंगे क्यों नहीं मगर तुमने तो अपनी जानों को फितने में डाला और मुसलमानों के नुकसान के मुंतजिर रहे और शक में पड़े रहे और झूठी ख्वाहिशात ने तुम्हें धोखे में डाले रखा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और बड़े फरेबी ने तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में डाले रखा वो मुसलमानों को पुकारेंगे इस आयत में मुनाफिकीन और के होने वाले मुकालमे को बयान किया गया है चुनाचे दीवार खड़ी हो जाने और अजाब का मुशाहिदा करने के बाद मुनाफिक मुसलमानों को उस दीवार के पीछे से पुकारेंगे और कहेंगे कि क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ नमाजें नहीं पढ़ते थे और तुम्हारे साथ रोजे नहीं रखते थे मोमिन कहेंगे क्यों नहीं तुम जाहरी तौर तो पर हमारे साथ ही थे लेकिन तुमने तो मुनाफिकत और कुफर अख्तियार करके अपनी जानों को फितने में डाला और गुनाहों में और अपनी नफसानी ख्वाहिशा की पैरवी में लगे रहे और मुसलमानों के नुकसान के मुंतजर रहे और दीन इस्लाम की हक्कानियत में शक करते रहे और झूठी ख्वाहिशा ने तुम्हें धोखे में डाले रखा और तुम इन बातिल उम्मीदों में रहे के मुसलमानों पर मसाइब आएंगे तो वो तबाह हो जाएंगे यहाँ तक के मौत की सूरत में अल्लाह तला का हुक्म आ गया और बड़े फरेबी शैतान ने तुम्हे अल्लाह तला के बारे में धोखे में डाले रखा अल्लाह ताला बड़ा हलीम है तुम पर अजाब ना करेगा और ना मरने के बाद उठना है ना हिसाब होगा तुम उसके उस में में आ इस में बयान की गए इस आयत मुनाफिक की सिफात को सामने रखते हुए हर मुसलमान को अपनी हालत पर गौर करना चाहिए कि इनमें से कोई सिफत इसमें तो नहीं पाई जाती अगर पाई जाती हो तो फौरन उससे छुटकारा पाने की कोशिश करे ताकि वो उखरवी रसवाई से बच सके

वो आग ही तुम्हारी साथी है और क्या ही बुरा ठिकाना है तो इर्शाद फरमाएगा मुनाफिकों, आज से कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा जिसे देखकर तुम अपनी जान को अजाब से बचा सको और ना ही खुले काफिरों से फिदिया लिया जाएगा तुम्हारा ठिकाना आग है और तुम उसके अलावा किसी और ठिकाने की तरफ कभी नहीं लौटोगे वो आग ही तुम्हारी साथी है और वो आज क्या ही बुरा ठिकाना है बाद वो फसीन ने फरमाया कि फिदिया ना लिए जाने का माना यह है कि आज तुमसे ईमान कबूल किया जाएगा और ना ही तोबा कबूल की जाएगी अलम

आप उनके पास इस हाल में आए कि आपकी चादर मुबारक घिसट रही थी और चेहरा अनवर सुर्ख था आपने उनसे इर्शाद फरमाया तुम हंस रहे हो हालांकि अभी तक तुम्हारे रब की तरफ से अमान नहीं आई कि उसने तुम्हें बख्श दिया है और तुम्हारे हंसने पर आयत नाजिल हुई है इर्शाद फरमाया उतना ही रोना इस आयत का का खुलासा यह है कि कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि जब उनके सामने अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए और कुरान की आयतें पढ़ी तो उनके दिल नरम पड़ हज़रत हज़रत फरमाते हैं इतना रोते बेहाल हो जाते और इसी आयत मुबारक को सुनकर बहुत से लोग अपने गुनाहों से ताइब हुए और विलायत की पहले डाकू थे और अबी वर्द और सरखस के दरमियान डाका जनी किया करते थे उनकी तोबा का सब ये हुआ की उन्हें एक लॉन्डी से इश्क हो गया एक मरतबा वो उसके पास जाने के लिए दीवार पर चढ़ रहे थे उस वक्त किसी ने यह आयत पढ़ी अलम जो ही ये आयत आपने सुनी तो बेख्तियार मुंह से निकला क्यों नहीं मेरे परवरदिगार अब इसका वक्त आ गया है आप दीवार से उतर पड़े और रात को एक सुनसान और बे आबाद खंडर नुमा मकान में जाकर बैठ गए वहां एक काफिला मौजूद था और शुरे काफला में से बाज कह रहे थे कि हम सफर जारी रखेंगे और बाज ने कहा कि सुबह तक तो यहीं रुक जाओ क्योंकि फुजैल बिन एयाज डाकू इसी अतराफ में रहता है कहीं वो हम पर हमला ना कर दे आपने काफले वालों की बातें सुनी तो गौर करने लगे और कहा अफसोस मैं रात के वक्त भी गुनाह करता हूँ और मेरे गुनाहों की वजह से मुसलमानों का हाल यह है कि वो मुझसे खौफजदा हो रहे हैं हालांकि अल्लाह ताला मुझे इनके पास इस हाल में लाया है कि मैं अब अपने जुर्म से रुझू कर चुका हूँ तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और अब मैं सारी जिंदगी काबतुल्लाह की मुजावरी में गुजारूंगा हजरत मालिक बिन रहमतुल्लाह दीनारह की तौबा हजरत मालिक बिन दीनार तराले तौबा से पहले नशे के आती थे आपकी तोबा का सबब ये बना के आप अपनी एक बेटी से बहुत मोहब्बत किया करते थे उसका इंतकाल हुआ तो आपने शाबान की पंद्रहवीं रात ख्वाब देखा कि आपकी कबर से एक बहुत बड़ा अशदहा निकलकर आपके पीछे रेंगने लगा है आप जब तेज चलने लगते तो वो भी तेज हो जाता फिर आप एक कमजोर सन रसीदा शख्स के करीब से गुजरे तो उससे कहा मुझे इस अशदहे से बचाए उन्होंने जवाब दिया मैं कमजोर हूँ रफ्तार तेज कर लो शायद इस तरह इससे निजात पा सको तो आप मजीद तेज चलने लगे अजदहा पीछे ही था यहाँ तक कि आप आग के उबलते हुए घड़ों के पास से गुजरे करीब था कि आप उसमें गिर जाते इतने में एक आवाज आई तो मेरा अहल नहीं है आप चलते रहे कि एक पहाड़ पर चढ़ गए उस पर शामियाने और साइबान लगे हुए थे अचानक एक आवाज आई इस ना उम्मीद को दुश्मन के नरगे में जाने से पहले ही घेर लो तो बहुत से बच्चों ने उन्हें घेर लिया जिनमें आपकी वो बेटी भी थी वो आपके पास आई और अपना दायां हाथ उस अजदहे को मारा तो वो भाग गया और फिर वो आपकी गोद में बैठकर कर आयत पढ़ने लगी लिदिक्रिल्ला। आप फरमाते कि मैंने अपनी इस बेटी से पूछा क्या तुम फौत होने वाले कुरान भी पढ़ते हो उसने जवाब दिया जी हाँ हम आप यानी जिंदा लोगों से ज्यादा इसकी मारिफत रखते हैं फिर आपने उससे उस जगह ठहरने का मकसद पूछा तो उसने बताया ये बच्चे क्यामत तक यहाँ ठहर कर अपने वाले का इंतजार करेंगे जिन्होंने इन्हें आगे भेजा है फिर उस अजहे के बारे में पूछा तो उसने बताया वो आपका बुरा अमल है फिर उस जयीफ उमर शख्स के बारे में पूछा तो उसने बताया वो आपका नेक अमल है आपने इसे इतना कमजोर कर दिया है कि इसमें आपके बुरे अमल का मुकाबला करने की सकत नहीं लिहाजा आप अल्लाह तला की बारगाह में तोबा करें और हलाक होने से बचे फिर वो बुलंदी पर चली गई जब आप बेदार हुए तो उसी वक्त सच्ची तोबा कर ली और उन जैसे ना हो जिन्हें पहले किताब दी गई इस आयत में अल्लाह मुसलमानों को उन यहूदियों और ईसाइयों की मुशाबत इख्तियार करने से मना फरमाया जिन्हें उनसे पहले किताब तौरात और इंजील दी गई जब उन पर उनके और उनके अम्बियाई कराम अली के दरमियान की मुद्दत दराज हो गई तो उनका हाल ये हुआ कि उन्होंने अपने हाथों से अल्लाह तला की किताब में तब्दीली कर दी और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल कर ली और इस किताब को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और मुख्तलि नज़रियात और अजीब वरीब अकबाल के दरपे हुए और दीन इलाही के अहकाम पर लोगों के कहने के मुताबिक अमल करने लगे और उन्होंने अपने उलमा और को को अल्लाह ताला के इलावा अपना रब मान लिया, तो उस उस वक्त उनके दिल सख्त हो गए, और और सख्ती की वजह से उनका हाल ये हुआ कि वो किसी नसीहत को कबूल करते हैं और ना ही जन्नत की बशारत और जहन्नम की वईद सुनकर उनके दिल नरम होते हैं उनके दिल भी फासद और आमाल भी बातिल हैं। जैसा कि ताला इरशाद फरमाता है

जिनके करने का उन्हें हुक्म दिया गया था और उन कामों को करने लग गए जिन्हें करने से उन्हें मना किया गया था इसी वजह से अल्लाह ताला ने उमूर और यानी अहकाम में में से किसी एक चीज भी उनकी तलियादाह करने से मना फरमाया है अल्लाह के को सामने रखते हुए उन लोगों को नसीहत हासिल करनी चाहिए जो अपनी सूरत और सीरत यहूदियों और ईसाइयों जैसी बनाते और उस पर फख्र महसूस करते हैं और उन लोगों को भी नसीहत हासिल करनी चाहिए जो मुसलमान कहलाने के बावजूद मुसलमानों को यहूदी और ईसाई नजरियात और उनके तौर तरीके अपनाने की किसी भी अंदाज में तरगीब देते हैं अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए अम्लाऊ तिहाक आया ती लकु जान लो कि अल्लाह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है बेशक हमने तुम्हारे लिए निशानिया बयान फरमा दी ताकि जान लो कि अल्लाह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है यानी ऐ लोगो तुम जान लो कि जमीन के खुश हो जाने के बाद अल्लाह बारिश बरसा और सब्जा उगा जमीन को जिंदा करता है और ऐसे ही दिलों को सख्त हो जाने के बाद नर्म करता है और उन्हें से जिंदगी अता फरमाता है बासबसरीन ने फरमाया दिलों में असर करने की एक मिसाल है जिस तरह बारिश से जमीन को जिंदगी हासिल होती है ऐसे ही अल्लाह तला के जिक्र से दिल जिंदा होते हैं दिल की सख्ती के इसबाब और उसकी अलात याद रहे कि दिल की नरमी अल्लाह तला की बहुत बड़ी नहमत है और दिल की सख्ती बहुत बड़ी आफत है क्योंकि दिल की सख्ती का अंजाम ये होता है कि उसमें वाजो नसीहत असर नहीं करता इंसान कभी अपने सबका गुना को याद करके नहीं रोता और अल्लाह तला की आयात में गौर वफिक नहीं करता दिल की सख्ती के मुख्तलिफ इसबाब और अमत हैं उनमें से चंद ये हैं नंबर एक अल्लाह ताला के जिक्र से गफलत बरतना नंबर दो कुरान पाक की तिलावत न करना नंबर तीन मौत को याद न करना नंबर चार बेकार बातें ज्यादा करना नंबर पांच फोहश गोई करना अब इनसे मुताल छह अहदीस समात कीजिए नंबर एक हजरत अबू मौसा अशरी रदी से रवायत है रसूल सल्लाम ने फरमाया उसकी मिसाल जो अपने रब अजबल का जिक्र करे और जो ना करे जिंदा और मुर्दा की सी है नंबर दो हज़रत अबू मूसा है जिक्र किया जाए और जिस घर में अल्लाह का किया जाए उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है नंबर तीन हजरत अब्दुलबिन उमर रदी अल्लाह तारुमा से रिवायत है रसूल करीम सल्हली वसलम ने इर्द फरमाया अल्लाह तिक्र के बगैर ज्यादा बातें बेकार बातें ना करो के अलावा ज्यादा बातें दिल की सख्ती है और लोगों में अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा दूर सख्त दिल वाला है नंबर चार हजरत अब्दुल्ला से रवायत है अर्ज की गई या रसूल सल्ला दिलों की सफाई किस चीज से होगी इर्शाद फरमाया मौत को ज्यादा याद करने से और कुरान करीम की तिलावत करने से नंबर पांच हजरत रबी बिन अनस रदी अल्लाह तवायत है सरकार सल अला वसलम ने इर्शाद फरमाया दुनिया से बेरगबत होने और आखिरत की तरफ रागिब होने के लिए मौत को याद करना काफी है नंबर छः हजरत अबूर से रवायत है इरशाद फरमाया शर्म ईमान से है और ईमान जन्नत में है और फौश गोई सख्त दिली से है और सख्त दिली आग में है अल्लाह तमें दिल की सख्ती से महफूज़ फरमाए और दिल की नरमी अता फरमाए आमीन बेशक हमने तुम्हारे लिए निशानियाँ बयान फरमा दी इर्शाद फरमाया बेशक हमने तुम्हारे लिए अपनी वाहदानियत और कुदरत पर दलालत करने वाली निशानियाँ बयान फरमा दी ताकि तुम उनसे अल्लाह तला की कुदरत को समझो और उन निशानियों के तकाजों के मुताबिक अमल करके दुनिया व आखरत में कामयाब हो जाओ तर्जमा बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और वो जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया उनके लिए कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए इज्जत का सवाब है बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें इर्शाद फरमाया कि बेशक वो मर्द और, और औरतें जिन्होंने खुश दिली और नेक नीयत के साथ हकदारों को सदका दिया और राह खुदाम में खर्च किया तो उनके लिए सदका करने और राह खुदाम खुश दिली के साथ खर्च करने का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए इज्जत का सवाब है और वो जन्नत है والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم तर्जमा और वो जो अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान लाएं वही अपने रब के नजदीक सिद्दीक और गवाह हैं उनके लिए उनका स्वाब है और उनका नूर है और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयतें झुटलाईं वो दो जखी हैं वल्लीना व रसूली और वो जो अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान लाएं इससे पहली आयात में अल्लाह ताला ने ईमान वालों और मुनाफिकों का हाल बयान फरमाया और इस आयत में ईमान वालों और काफिरों का हाल बयान फरमाया है ईमान लाएं उनका अपने रब अज्ज व नजदीक मकाम यह है कि वही कामिल सच्चे और गुजरी हुई उम्मतों में से झुटलाने वालों पर अल्लाह त गवाह है उनके लिए उनके नेक अमल का वह स्वाब है जिसका उनसे वादा किया गया है और उनका वो नूर है जो हशर में उनके साथ होगा जिन्होंने कुफर किया और हमारी कुदरत तो वहदानियत पर दलालत करने वाली आयतें झुठलाई वो दो जखी हैं وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۗ फिल्लाया तुनिया तर्जमा जान लो कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल कूद और जीनत और आपस में फख्र ग्रूर करना और मालों और औलाद में एक दूसरे पर ज्यादती चाहना है दुनिया की जिंदगी ऐसे है जैसे वो बारिश जिसका उगाया हुआ सब्जा किसानों को अच्छा लगा फिर वो सब्जा सूख जाता है तो तुम उसे जर्द देखते हो फिर वो पामाल किया हुआ बेकार हो जाता है और आखिरत में सख्त अजाब है और अल्लाह की तरफ से बख्शिश और उसकी रजा भी है और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है जान लो कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ आखिरत और उसमें मखलूक के अहवाल जिक्र करने के बाद इस आयत में दुनिया की हकीकत बयान की जा रही है ताकि मुसलमान इसकी तरफ रागब ना हो क्योंकि दुनिया बहुत कम नफे वाली और जल्द खत्म हो जाने वाली है इस आयत में अल्लाह ताला ने दुनिया के बारे में पांच चीजें और एक मिसाल बयान फरमाई है वो पांच चीजें ये हैं नंबर एक और दो दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल कूद है जो कि बच्चों का काम है और सिर्फ उसके हसूल में मेहनत और मशक्क़त करते रहना वक्त जया करने के सिवा कुछ नहीं नंबर तीन दुनिया की जिंदगी जीनत और आरइश का नाम है जो कि औरतों का शेवा है नंबर चार और पांच दुनिया की जिंदगी आपस में फख्र गुरूर करने और माल और औलाद में एक दूसरे पर ज्यादती चाहने का नाम है और जब दुनिया का ये हाल है और उसमें ऐसी कबाहतें मौजूद हैं, तो उसमें दिल लगाने और उसके हसूल की कोशिश करते रहने की बजाय उन कामों में मशगूल होना चाहिए जिनसे उखरवी जिंदगी संवर सकती है इसके बाद अल्लाह तला ने दुनियावी जिंदगी की एक मिसाल इर्शाद फरमाई कि दुनिया की जिंदगी ऐसी है जैसे वो बारिश जिसका उगाया हुआ सब्जा किसानों को अच्छा लगता है फिर वो सब्जा किसी जमीनी या आसमानी आफत की वजह से सूख जाता है तो तुम उसकी सब्जी यानी सब्ज रंग जाते रहने के बाद उसे जर्द देखते हो फिर वो पामाल किया हुआ बेकार हो जाता है यही हाल दुनिया की इस जिंदगी का है जिस पर दुनिया का तलबगार बहुत खुश होता है और उसके साथ बहुत सी उम्मीदें रखता है लेकिन वो इंतहाई जल्द गुजर जाती है इस दुनिया के मुकाबले में आखिरत है जिसमें अल्लाह ताला का सख्त अजाब भी है जो दुनिया के तलब गारों लाभ वाब में जिंदगी गुजारने वालों और आखिरत से बेपरवाह लोगों के लिए है जो बतौर खास कुफार हैं जबकि दूसरी तरफ आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश और उसकी खुशनुदी भी है जो इस काम के लिए है जिसने दुनिया को आखिरत पर तरजीह ना दी और हकीकत यह है कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है दुनिया धोखे का सामान उसके लिए है जो दुनिया ही का हो जाए और उस पर भरोसा कर ले और आखिरत की फिक्र न करे और जो शख्स दुनिया में रहकर आखिरत का तलबगार हो और दुनियावी इस्बाब से भी आखिरत ही के लिए ताल्लुक रखे तो उसके लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी का जरिया है दुनिया के बारे में अहदीस और अकवाल यहाँ दुनिया से मुतलिक चंद अहदीस और बुजुर्गान दीन के अकवाल समात कीजिए चुनाचे हजरत अबी अल्लाह से रिवायत है नबी अक्रम सल्ला नेर्शाद फरमाया दुनिया मल है और उसकी हर चीज़ भी मलून है अलबत्त दुनिया में से जो अल्लाह के लिए है वो मल नहीं हजरत अब्दुल्ला बिन मिसवर हाशमी रदी अल्लाह तुसे रिवायत है रसुल करीम सल्लाया उस बंदे पर इंतहाई ताजुब है जो आखिरत के घर की तस्दीक करता है लेकिन वो धोखे वाले घर यानी दुनिया के लिए कोशिश करता है रजील फरमाते हैं कि ए मुदीन के ग्रोह दुनिया तलब ना करो और अगर तलब करो तो उससे मोहब्बत ना करो यहाँ से सिर्फ ज्यादा आराम गह तो और है यानी आखिरत है अला हजरत रशत में नसीहत करते हुए फरमाते हैं दुनिया को तू क्या जाने ये बिस की घाट है हर सूरत देखो ालिम की तो कैसी भोली भाली है शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डायन शोहर कुश इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है अल्लाह ताला हमें दुनिया में रहकर अपनी आखिरत की तैयारी की तोहफी कता फरमाए आमीन नोट दुनिया की हकीकत और उसके बारे में मजीद तफसील जानने के लिए इमाम गजाली रहमत की मशहूर तसनीफ अहयालूम की तीसरी जिल्द में मौजूद बाब दुनिया की मजम्मत का मताल फरमाएं سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، तर्जमा अपने रब की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की वसअत जैसी है अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान लाने वालों के लिए तैयार की गई है ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे दे और अल्लाह बड़े फजल वाला है अपने रब की बख्शिश की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ इससे पहली आयत में अल्लाह तुम्हारे और आखिरत के अजीम होने को बयान फरमाया और इस आयत में अल्लाह तमाल में जल्दी करने और एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की तरगीब दी है जिनकी बिना पर बंदा अल्लाह त फजल से उसकी बख्शिश और जन्नत का हकदार करार पाता है चुनाची इस आयत का खुलासा यह है कि लोगो दुनिया की जिंदगी बहुत कलील है इसलिए वो अमाल करने में जल्दी करो और उनमें एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ जिनकी वजह से तुम अल्लाह ताला की बख्शिश और उस जन्नत के हकदार ठहरो जिसकी चौड़ाई ऐसी है कि सातों आसमान और सातों जमीनों के टुकड़े एक दूसरे से मिला दिए जाए तो जितने चौड़े वो होंगे उतनी जन्नत की चौड़ाई है ये जन्नत उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह तला की वहदानियत का इकरार करते और उसके सब रसूलों की तस्दीक करते और उन पर ईमान लाते हैं ये जन्नत अल्लाह तला का वो फजल है जो उसने मुसलमानों पर फरमाया और अल्लाह तीन मखलूक में से जिसे चाहे दे और अल्लाह तरफ बड़ा फजल फरमाने वाला है उसी ने दुनिया में लोगों पर रिस्क वसी किया उन्हें ने नेमतें अता फरमाई और उन्हें शुक्र के मकामात की पहचान कराई फिर अपनी इतात फरमा बर्दारी करने पर आखिरत में उन्हें वो जजा अता फरमाई जो उसने इतात गुजारों के लिए तैयार फरमाई है और उसका कुछ वसफ अभी बयान हुआ दुआए मकफरत नहायत महबूब शह है लिहाजा मुसलमान बंदे को अपनी बख्शिश की दुआ करते रहना चाहिए और खसूस अगर गुनाहों से तौबा करके हो और नूरन अला नूर यह है कि बारगा मुस्तफ़ा सल में हाजिर होकर अपनी बख्शिश की दुआ की जाए ثنائي الله تعالى ارشاد فرماته واستغفر الله ان الله غفور رحيم. ترجمه سے بخشش مانگو بشك الله بخشني مہربان ہے اور ارشاد فرماته ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. और जो कोई बुरा काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर से मेहरबान तो अल्ला पाएगा अल्लाह फरमाता है ए इंसान जब तक तू मुझसे दुआ करता और उम्मीद रखता रहेगा मैं तेरे गुना बख्शता रहूंगा चाहे तुझमें कितने ही गुना हो मुझे कोई परवाह नहीं अः इंसान अगर तेरे गुना आसमान तक पहुंच जाए फिर तू बख्श मांगे तो मैं बख्श दूंगा मुझे कोई परवाह नहीं इंसान अगर तू ज़मीन भर गुना भी शिरक पास रिवायत है। अकरम ने फरमाया तुमसे कोई इस तरह ना कहे या अगर चाहे तो मुझे बख्श या अगर चाहे तो मुझ पर रहम फरमा बल्कि यकीन के साथ सवाल करना चाहिए क्योंकि अल्लाह तुम कोई मजबूर करने वाला नहीं और अल्लाह तरशाद फरमाता है والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ترجمة और वो लोग कि जब किसी बेहयाई का इरतिकाब कर लें या अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफी मांगे अल्लाह के अलावा कौन गुनाहों को माफ कर सकता है और ये लोग जान बुझ कर अपने बुरे आमाल पर इसलता है और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल कर बैठे थे तो अहबीब तुम्हारी बारगा में हाजिर हो जाते फिर अल्लाह से माफी मांगते और रसूल भी उनकी मकफरत की दुआ फरमाते तो जरूर अल्लाह को बहुत तोबा कबूल करने वाला मेहरबान पाते दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हबीब अलतम के सदके ईमान पर कायम रहने और गुनाहों से तोबा इस्तफार करने की तोफ़ी कता फरमाए आमीन ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ترجمة زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے उसे पैदा करने से पहले ये किताब में लिखी हुई है बेशक अल्लाह पर आसान है मा फिल फी जमीन में और तुम्हारी जानों में जो मुसीबत पहुंचती है इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कजा और तकदीर का बयान फरमाया है कि लोगों जमीन में कहत की बारिश रुक जाने की पैदावार न होने की फलों की कमी की और खेतों के तबाह होने की इसी तरह तुम्हारी जानों में बीमारियों की और औलाद के गमों की जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो हमारे इसे यानी जमीन को या जानों को या मुसीबत को पैदा करने से पहले ही हमारी एक किताब लोहे महफूज में लिखी हुई होती है और उन्हें लोहे महफूज में लिख देना हमारे लिए आसान है याद रहे कि बंदे को पहुंचने वाली हर मुसीबत उसकी तकदीर में लिखी हुई है और हर मुसीबत अल्लाह ताला के हुम से ही पहुंचती है जैसा की मकाम पर अल्लाह तला ने इर्शाद फरमाया तर्जमा हर मुसीबत अल्लाह के हुक्म से ही पहुंचती है अबतः बाज मुसीबतें बाज़ वजुहत की बिना पर भी आती हैं और ये वजुहत भी लोहे महफूज में लिखी हुई है, इन में से एक गुना करना है। जैसा कि अल्लाह तरशाद फरमाता है और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो तुम्हारे हाथों के कमाए हुए अमाल की वजह से है और बहुत कुछ तो वो मुआफ फरमा देता है और हजरत अबू मूसा अश अदी रवायत है नूर सल्ला ने इर्शाद फरमाया बंदे को जब छोटी या बड़ी मुसीबत पहुंचती है वो किसी गुनाह की वजह से पहुंचती है और जो मुआफ़ फरमा देता है वो उससे बहुत ज्यादा होते हैं और बसा औकात मोमिन के गुनाहों को मुआफ करने और उसके दर्जा की बुलंदी के लिए उसे मुसीबत पहुंचती है जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीक रद्ला से रवायत है ताजदार रिसत सल्लाम ने इर्शाद फरमाया मोमिन को कांटा चुभने या उससे बड़ी कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसकी वजह से अल्लाह त उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है या उसकी एक खता मिटा देता है लिहाजा जिस शख्स पर कोई मुसीबत आए तो उसे चाहिए कि वो इस बात पर यकीन रखे मुसीबत उसके नसीब में लिखी हुई थी और इस बात पर गौर करे कि कहीं उससे कोई ऐसा गुना सादर ना हुआ हो जिसके नतीजे में उस पर मुसीबत आई नीज अल्लाह ते उम्मीद रखे कि वो इस मुसीबत के सब उसके गुना मिटा दे और उसके दर्जा बुलंद फरमा दे ऐसा करने से जहन को सुकून नसीब होगा दिल को तसली हासिल होगी और मुसीबत पर सबर करना भी आसान हो जाएगा अल्लाह तमल की तोहफी कता फरमाए

मा ताकि तुम उस पर गम न खाओ जो तुमसे जाती रहे यानी तुम्हें पहुंचने वाली मुसीबतें लोहे महफूज में लिख देने की है कि दुनिया का जो साजो सामान तुम्हारे हाथ से जाता रहे तुम उस पर गम न खाओ और दुनिया का जो मालो मत अल्लाह तला ने तुम्हें दिया है तुम उस पर खुश ना हो और यह समझ लो कि जो अल्लाह तकदर फरमाया है जरूर होना है ना गम करने से कोई ज़या चीज़ वापस मिल सकती है और ना फना होने वाली चीज़ इतराने के लायक है तो होना यह चाहिए कि खुशी की जगह शुक्र और गम की जगह सबर इख्तियार करो यहाँ गम की मजम्मत बयान हुई है इस गम से मुराद इंसान की वो हालत है जिसमें सबर ना हो और अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी रहना ना पाया जाए और सवाब की उम्मीद भी आदमी न रखे जबकि खुशी से वो इतराना मुराद है जिसमें मस्त होकर आदमी शुक्र से गाफिल हो जाए अलबत्त वह रंजो गल्ला की तरफ मुतवजह हो और उसकी रजा पर राजी हो ऐसे ही वो खुशी जिस पर हक ताला का शुक्र गुजार हो ममनू नहीं हजरत इमाम जाफर सदिक रजी अल्लाह फरमाते हैं ए फरजंदे आदम किसी चीज का फुकदान पर क्यों गम करता है ये उसको तेरे पास वापस ना लाएगा और किसी मौजूद चीज पर क्यों इतराता है मौत उसको तेरे हाथ में न छोड़ेगी तर्जमा वो जो बखुल करें और लोगों को बखुल करने का कहें और जो मुंह फेरे तो बेशक अल्लाह ही बेनियाज हम के लायक है वो जो बुखल करें इस आयत की तफसीर यह है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं फरमाता जो अपने पास माल और दुनिया का साजो सामान होने के बावजूद उस माल और दौलत से मोहब्बत और अपने नज़दीक उसकी कदर की वजह से उस माल में बखल करते हैं और उस माल को अल्लाह की राह में और नेक कामों में खर्च नहीं करते और वो सिर्फ अपने बखुल को ही काफी नहीं समझते बल्कि लोगों को भी बुखल करने का हुक्म देते हैं और अपना माल रोक लेने की तरगीब देते हैं और जो वाजिब सदकात से मुंह फेरे तो बेशक अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक से बेनियाज और हमद के लायक है दूसरी तफसीर यह है कि वो यहूदी जो सबका किताबों में लिखे हुए ताजदार रिसालत सल्ला वसलम के औसाफ छुपाते हैं और उनके औसाफ बयान करने से खुद भी बुखुल करते हैं और दूसरों को भी इसका हुक्म देते हैं तो उनके लिए सख्त वईद है और जो ईमान लाने और अल्लाह तथा उसके रसूल की फर्मा बर्दारी करने से मुंह फेरे तो बेशक अल्लाह ताला ही अपनी तमाम मखलूक से बेनियाज और हमद के लायक है तो उनसे किस तरह बेनियाज ना होगा राय खुदा में माल खर्च करने से बुख़ल करने और नबी करीम सलाम के औसाफ छुपाने की मजम्मत अल्लाह ताला की राह में खर्च करने से बुख़ल करने वालों के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है हा

और जो बुखल करे वो अपनी ही जान से बुखल करता है और अल्लाह बेनियाज है और तुम सब मोहताज हो और अगर तुम मुंह फेरोगे तो वो तुम्हारे सिवा और लोग बदल देगा फिर वो तुम जैसे ना होंगे। और बेशक वो लोग जो हमारी उतारी हुई रोशन बातों और हिदायत को छुपाते हैं हालांकि हमने उसे लोगों के लिए किताब में वाजे फरमा दिया है तो उन पर अल्लाह लानत फरमाता है और लानत करने वाले उन पर लानत करते हैं और इर्शाद फरमाता है وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ترجمة أو الله نقول لوجو أهد ليا كتاب دي گئی. कि तुम जरूर इस किताब को लोगों से बयान करना और उसे छुपाना नहीं तो उन्होंने इस अहद को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल कर ली तो यह कितनी बुरी खरीदारी है हरगिज गुमान न करो उन लोगों को जो अपने अमाल पर खुश होते हैं और पसंद करते हैं कि उनकी ऐसे कामों पर तारीफ की जाए जो उन्होंने किए ही नहीं इन्हें हरगिज अजाब से दूर न समझो और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इन इनायात से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने से बखुल करना लोगों को बखुल करने की तरगीब देना यूं ही हजूर सलाम के औसाफ छुपाना और इन औसाफ को छुपाने की तरगीब देना इंतहाई मजमूम आमाल है अल्लाह चीजों से महफूज रखे ना बिल बल किताबी وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز तर्जमा हमने अपने रसूलों को रोशन दलीलों के साथ भेजा और उनके साथ किताब और अदल की तराजू उतारी ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो और हमने लोहा उतारा उसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं और ताकि अल्लाह उस शख्स को देखे जो बगैर देखे अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करता है बेशक अल्लाह कुत वाला गालिब है बेशक अपने अपने रसूलों को रोशन दलीलों के साथ भेजा इस आयत का खुलासा यह है कि अल्लाह रसूलों को उनकी उम्मतों की तरफ रोशन दलीलों के साथ भेजा और उनके साथ नाजिल फरमाया। नंबर एक तीन के और बयान करने वाली किताब नंबर दो तराजू एक कॉल यह है यहाँ तराजू से मुराद अदल हैदल है का हुक्म दिया और एक कौल यह है कि तराजू ऐसी वजन करने का आला ही मुराद है और तराजू नाजिल करने से मकसूद यह है कि लोग आपस में तोल कर चीजें लेने देने के मामले में इंसाफ पर कायम हो और कोई किसी की हक तलफी न करे मरवी है की हजरत जबरतम हजरत नू सलाम के पास तराजू लाए और फरमाया कि अपनी कौम को हुक्म दीजिए कि इससे वजन करें नंबर तीन लोहा यहाँ आयत में उतारना पैदा करने के माना में है और मुराद यह कि हमने लोहा पैदा किया और लोगों के लिए से निकाला और उन्हें इसकी सनात कामर रदीन से मरवी है नबी अक्रम सल्हलम ने फरमाया अल्लाह तार बरकत चीज़ें आसमान से जमीन की तरफ उतारी नंबर एक लोहा नंबर दो आग नंबर तीन पानी नंबर चार नमक और लोहे का फायदा यह है कि उसमें इंतहाई सख्त कुत है यही वजह है कि इससे असल और जंगी साजो सामान बनाए जाते हैं और इसमें लोगों के लिए और भी फायदे हैं कि लोहा सनातों और दीगर पेशों में बहुत काम आता है आयत के आखिर में फरमाया कि लोहा नाजिल करने से मकसूद यह है कि अल्लाह ताला उस शख्स को देखे जो जिहाद में लोहे को इस्तेमाल करके अल्लाह ताला के दीन की मदद करता है हालांकि उसने अल्लाह ताला को देखा नहीं हुआ बेशक अल्लाह ताला तकत वाला गालिब है उसको किसी की मदद दरकार नहीं और दीन की मदद करने का उसने जो हुक्म दिया उन्ही लोगों के फायदे के लिए है वाकद इबरा फासजमा और बेशक अपने नूह और इब्राहिम को भेजा और उनकी औलाद में नबूवत और, 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 और किताब रखी तो उनमें कोई हिदायत याफ्ता है और उनमें बहुत ज्यादा फासिक है अरसलना और नूह और को भेजा इसका माना यह है कि अल्लाह नूह और, नू और मनसब रिसालत से मुशर्रफरमाया और नब्वत और किताब उन दोनों की औलाद में रखी सुनाच हजरत इब्राहिम के बाद तमाम अंबिया उनकी औलाद से हुए और चारों किताबेंत इंजील जबूर और कुरने पाक हज़रत इब्राहिम सलाम की औलाद में से मनसब पर फाइज होने वालों पर नाजिल हुई आखिर में मत फरमाया कि इन दोनों रसूलों की औलाद में से कुछ लोग हिदायत याफ्ता हैं और उनमें से बहुत ज़्यादा फासिक हैं وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها

हजरत ईसा इसरा के जमाने तक यके बाद दी गरे अपने मजीद रसूल भेजे और उनके बाद हजरत ईसातम को भेजा और उन्हें फरमाई और पैरवी करने वाले आपस में एक दूसरे के साथ महब्बत और शफकत रखते हैं और राहिब बनना यानी पहाड़ों गारों और तनहा मकानों में खलबत नशीन होने सौ मा बनाने दुनिया वालों से मेल जोल तर्क करने इबादतों में अपने ऊपर जायद मशक्कतें बढ़ा लेने निकाह न करने नहायत मोटे कपड़े पहनने और अदना गजा कम में खाने के अमल को उन्होंने खुद ईजाद किया था अल्लाह ने मुकर न की थी अलबत्त की तकलीफ व इतिहादीन खुदा मानने और में खुदाई और इंसानियत का इतिहाद मानने में मुबतला हुए और हजरत ईसात वीन से कुफर करके अपने बादशाहों के दिन में दाखिल हो गए और उनमें से कुछ लोग हज़रत ईसा सलात के दिन पर कायम और साबित भी रहे और जबरूर पुरूल अल्लात असलम का मुबारक जमाना पाया वसलम पर भी ईमान लाए तो उनमें से ईमान वालों को अल्लाह ताला ने उनका सबाब अता किया और उनमें से बहुत से लोग जिन्होंने रहबानियत को तर्क किया और हजरत ईसा सलातम के दिन से मुनहरफ हो गए वो नाफरमान है बिद आते हसना जायज और बिद आते सयामनू है इसमाइल हकी रहत लिखते हैं इस आयत में अल्लाह ताला ने रहबानियत इख्तियार करने पर इनकी मजम्मत नहीं फरमाई बल्कि इस पर जैसे अमल करने का हक था बाद वालों के वैसे अमल ना करने पर उनकी मजम्मत फरमाई है और उनकी इजाद किए हुए फेल को बिदत कहा गया और उनके बर खिलाफ इस ने जिस काम को नेकी के तरीके के तौर पर ईजाद किया उनकी अज्मत शराफत की वजह से उसे सुनत यानी तरीका कहा गया जैसा किसान ने शाद फरमाया मन सन इस्लामी सुनता है जिसने इस्लाम में अच्छी सुनत यानि तरीका ईजाद किया इस हदीस में हज़ुर अकद ने हमें इस्लाम में नेक तरीके निकालने की इजाज़त दी है और उसका नाम सुन्नत रखा है और इस तरीके को निकालने वालों और इस तरीके पर अमल करने वालों को अबी फराम ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि हर नया काम बदात है तो जो अच्छी बदात निकाले उसे चाहिए कि वो उस पर हमेशा कायम रहे और उसकी जिद यानी मुखाल चीज़ की तरफ अदूल न करे वरना वो इस आयत में मसकूर फिसक की वईद में दाखिल होगा जबकि वो मुखालफत शरीयत के बरखिलाफ हो हजरत मुफ्ती नईम मुरादाबादी फरमाते हैं इस से हुआ कि यानी दीन में भी किसी बात का निकालना अगर वो बात नेक हो और उससे इलाही मकसूद हो तो बेहतर है उस पर सवाब मिलता है और इसको जारी रखना चाहिए ऐसी बिदात को बिद हसना कहते हैं अलबत्त दीन में बुरी बात निकालना बिद आते कहलाता है वो ममनू और नाजायज है और बिद आते सई शरीफ में वो बताई गई है जो खिलाफ सुन्नत हो इसके निकालने से कोई सुन्नत उठ जाए इससे हाँ मसाइल का फैसला हो जाता है जिनमें आजकल लोग इख्तलाफ करते हैं और अपनी हवाए नफसानी से ऐसे अमूर खैर को बदरअत बताकर मना करते हैं जिनसे दीन को तकवीत तो व ताइद होती है और मुसलमानों को उखरबी फ़वाद पहुँचते हैं और वो तात व इबादात में ओक व शौक के साथ मशगूल रहते हैं ऐसे उमूर को बदरात बताना कुरानी मजीद की इस आयत के सरी खिलाफ है يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم रहीम। तर्जमा ईमान लाने वालो अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ तो वो अपनी रहमत के दो हिस्से तुम्हें अता फरमाएगा और वो तुम्हारे लिए एक ऐसा नूर कर देगा जिसके जरिए तुम चलोगे और वो तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है ऐमान लाने वालो अल्लाह से डरो इस आयत में अल्लाह ताला ने अहले किताब को खिताब करते हुए फरमाया कि मूसा और ईमान लाने वालों करीम वसल्लम पर ईमान लाओ तो अल्लाह तुम्हें दुगना अजर देगा क्योंकि तुम पहली किताब और पहले नबी पर भी ईमान लाए और नबी अक्रम सलात वसलाम और कुरान पाक पर भी ईमान लाए और वो क्या के दिन तुम्हारे लिए पुलिस पर एक ऐसा नूर कर देगा इसकी रोशनी के जरिए तुम चलोगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से पहले के तुम्हारे सब गुना बख्श देगा और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है पहले किताब में से ईमान लाने वालों के लिए दुगना अजर इस आयत की नजीर ये आयत मुबारक है وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ترجمة

सल्लल्लाहु पर भी ईमान लाया नंबर दो वो गुलाम जो अल्लाह ताला का हक बजा लाए और अपने मालिकों के हकूक भी पूरे करे नंबर तीन वो आदमी जिसके पास लॉन्डी हो तो वो उससे वती करे और उसे तहजीब और तालीम के जेवर से खूब आरास्ता करे फिर उसे आजाद करने के बाद उसके साथ निकाह कर ले तो उसके लिए दुगना सवाब है अल्लाहल किताबी अल्लाई फौगिल्लाहुलौ लम तर्जमा ताकि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल में से चीज पर कुदरत नहीं रखते और ये कि सारा किताब। उसमें ईमान लाने पर दुग्ने का वादा दिया गया तो अहले किताब में से कुार ने कहा अगर मजूर अकबर पर ईमान लाए तो हमें दुगना अजर मिलेगा और अगर ईमान ना लाए तो हमारे लिए एक अजर जब भी रहेगा इस पर आयत नाजिल हुई और उनके इस ख्याल को रद्द करते हुए फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने अहले किताब को आखिरी नबी पर ईमान लाने का हुक्म इसलिए दिया है ताकि अहले किताब जान लें कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अल्लाह तला वाली वसल् पर ईमान लाए बगैर वो अल्लाह ताला के फजल यानी दुगने अजर नूर और मकफरत में से कुछ नहीं पा सकते क्योंकि जब वो सैयदुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए तो उनका पहले अम्बिया अली पर ईमान लाना भी उनके लिए मुफीद ना होगा और वो ये भी जान ले कि सारा फजल अल्लाह ताला के हाथ में है वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है देता है क्योंकि वो कादिर और मुख्तार है और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है